सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, ये मारुति की रिट्स गाड़ी है। इसका जो प्रॉब्लम है एसी के ब्लोअर में है, आप सुन सकते हैं इस तरीके से आवाज़ आ रहा है। इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये कवर है, यहाँ पे ये कवर निकाल देने का और ये अपना ये ब्रेक का एक पैंडल और एक क्लच का पैंडल खोलने का, वो यहाँ पे एसी ब्लोअर है अपना, ये अपना एसी ब्लोअर है। तो अभी मैं आपको ये एक एक प्रोसेस करके बताता हूँ किस तरीके से आप आसानी से खोल सकते हैं। अभी मैं आपको ये खोल कर बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से खोलने का है, ये आप देख सकते हैं। ये पहले एक्सीलेटर पैंडल, उसके बाद में ब्रेक का पैंडल, क्लच पैंडल और स्टीयरिंग रैक निकाल दिया मैंने, यहाँ से खोल दिया स्टीयरिंग रैक। और ये अपना एसी का ब्लोअर इस तरीके से खोलता, ये अपना एसी का ब्लोअर है, इसको एक लॉक आता है ऊपर, इस तरीके का लॉक आता है, ये आप देख सकते हैं ऐसा लॉक आता है। इसको प्रेस कर कर खोलना है, तो ये खुल नहीं रहा था, इसके लिए मैं इसको तोड़ के निकाल दूँ। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पर आपको अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको खोलना है तो ये इसको सिर्फ प्रेस कर कर खोल देना है। तो अभी मैं ये क्लीन तो कर दी हूँ, तो अभी मैं आपको ये फिटिंग विटिंग करके बताऊँगा। तो फ्रेंड, अभी ये देख सकते हैं मैं क्लीन कर दी हूँ और ये इस तरीके से बिठा देना है इसका इसका। ये इस तरीके से अपने तीन बोल्ट मैच कर देना, तो फ्रेंड ये अपने फाइनल टाइट कर दी। और अभी मैं आपको क्लच पैंडल और ब्रेक पैंडल और एक्सीलेटर पैंडल लगा कर बताऊँगा, बाद में स्टीयरिंग रैक लगाएंगे अपन। तो फ्रेंड ये इस तरीके से, तो अभी अपन ये ब्रेक का पैंडल बिठाएंगे। तो फ्रेंड ये सब मैं फिटिंग कर दियो, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग रैक लगाए तो काम हो गया अपना। तो फ्रेंड ये मैं सब फिटिंग कर दियो, आप आवाज़ सुन सकते हैं, ब्लूटूथ माउंट, ये अपना आवाज़ पूरा बंद हो गया। तो इसका इजी तरीका यही है कि एसी ब्लोअर, इसके लिए आपको डैशबोर्ड वगैरह कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान तरीका है। सिर्फ आपको स्टीयरिंग रैक निकाल के ये तीनों पैंडल निकाल कर खोलना है।